नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 अप्रैल दिन गुरुवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सिंगापुर नहीं जाएंगे लालू। जो नीतीश कुमार बिहार नहीं संभाल पा रहे, वे देश का नेतृत्व करेंगे, सुशील मोदी। नीतीश के विपक्षी नेताओं को एकजुट करने वाले फॉर्मूला का जल्द दिखेगा परिणाम, जदयू नेता। सबसे अमीर मुख्यमंत्री की सूची में शामिल हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, जाने किस मुख्यमंत्री के पास है सबसे कम संपत्ति। नेहा राठौर ने अपने नए गाने से मोदी सरकार पर उठाए सवाल। अब चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। सिंगापुर नहीं जाएंगे लालू। कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें चल रही थी कि आज यानी कि 13 अप्रैल को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने चेकअप के लिए सिंगापुर जाने वाले हैं, लेकिन अब इस खबर की पुख्ता जानकारी मिल चुकी है। बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार लालू यादव अभी सिंगापुर नहीं जाएंगे। उनके सिंगापुर जाने का प्लान तब बन सकता है जब डॉक्टर की ओर से तिथि दी जाएगी। हालांकि ऐसा संभव है कि वह इसी माह यानी कि अप्रैल में सिंगापुर जाए। वहीं उन्हें सिंगापुर जाने के लिए अनुमति लेने की भी जरूरत होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट दिसंबर माह में सिंगापुर में किया गया था। उन्हें उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के द्वारा किडनी डोनेट की गई थी। इसी सिलसिले में अब उन्हें एक बार फिर चेकअप के लिए सिंगापुर जाना पड़ सकता है, लेकिन अब तक इसके लिए एक तारीख या समय निर्धारित नहीं किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक के बाद महागठबंधन में उत्साह का माहौल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राहुल गांधी के बीच बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर काफी देर तक बातचीत होते रही। इस दौरान कई बड़े नेता जिनमें तेजस्वी यादव और जदयू अध्यक्ष ललन सिंह आदि मौजूद थे। लोकसभा चुनाव 2024 में सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने की बात इस बैठक में तय की गई। बिहार में महागठबंधन दलों के नेताओं में इस बैठक को बाद उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। इस बैठक को लेकर जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा के द्वारा कहा गया है कि आप सोचिए, अभी सिर्फ एक तस्वीर सामने आई है, उससे भाजपा के खेमे में कितनी बेचैनी है। आने वाले समय में जब पूरी पिक्चर रिलीज होगी तो पूरी स्ट्रेटेजी तय होगी, हर कुछ धरातल पर आएगा, तो सोचिए किस बुरी परिस्थिति में राजनीतिक तौर पर ये लोग होंगे। जो नीतीश कुमार बिहार नहीं संभाल पा रहे, वे देश का नेतृत्व करेंगे, सुशील मोदी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने राजधानी पटना में गुरुवार को जमकर निशाना साधा है। बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार द्वारा विपक्षी पार्टियों को एकजुट किए जाने वाली बात पर कहा है कि नीतीश कुमार एक ऐसी नाव में सवार है जिसमें छेद ही छेद है, कांग्रेस एक डूबता जहाज है। साथ ही साथ राजस्थान में चल रही सियासत को लेकर उन्होंने कहा कि सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं। जो नीतीश कुमार बिहार नहीं संभाल पा रहे, उपचुनाव नहीं जीत पा रहे, विदेश का नेतृत्व करेंगे, विपक्षी दलों को एक करेंगे, कौन उन्हें स्वीकार करेगा। नेहा राठौर ने अपने नए गाने से मोदी सरकार पर उठाए सवाल। लोक गायिका नेहा राठौर इन दिनों अपने गाने के कारण सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। इससे पहले नेहा राठौर अपने गाने के माध्यम से योगी सरकार और नीतीश सरकार पर सवाल उठा चुकी हैं। अब एक बार से नेहा राठौर का नया गाना सामने आया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होता नजर आ रहा। दरअसल नेहा राठौर ने अपने गाने से पीएम मोदी और उद्योगपति अदानी के रिश्ते, साथ ही मोदी सरकार के ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी सवाल उठाए हैं। बता दें कि अपने इस गाने के बोल में उन्होंने कहा है कि जब तक ले ओपीएस न लागू करबत तुए लंबरदार कैसे बनाईबा 2024 में सरकार। अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने वाली बात को शिवसेना नेता ने किया खंडन। अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की खबरों का शिवसेना के नेता संजय राउत ने खंडन करते हुए कहा है कि अजीत पवार का भविष्य एनसीपी में उज्जवल है, वे बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते हैं। बता दें कि संजय राउत ने बुधवार के दिन मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि एनसीपी नेता अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मुझे नहीं लगता कि वे बीजेपी में शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने अजीत पवार पर भरोसा जताते हुए कहा कि वे इस संबंध में जल्द ही अजीत पवार और नाना पटोले के साथ चर्चा करेंगे। 16 मई में नागपुर में होने वाली बड़ी रैली से पहले ही उनसे यह बात की जाएगी। नीतीश के विपक्षी नेताओं को एकजुट करने वाले फॉर्मूला का जल्द दिखेगा परिणाम, जदयू नेता। तीन दिवसीय यात्रा पर मंगलवार के दिन बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे। उसके बाद से लोगों के बीच इस बात की चर्चा देखने को मिल रही है कि क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा। केसी त्यागी जो कि जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि एनडीए से बाहर आने के बाद से ही विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहे थे। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि मंगलवार और बुधवार के दिनों से नीतीश का फॉर्मूला ऑफ 2024 फॉर इम्प्लीशन ऑफ यूनिटी अस्तित्व में आ गया है। सभी विपक्षी दलों से बात होने की बात भी उनके द्वारा कही गई है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द इसके परिणाम दिखेंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जो छोटी मोटी दिक्कत मीडिया के सामने आ रही है कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल या फिर केसीआर का क्या होगा, इस मामले को भी ठीक कर लिया जाएगा। अमित शाह से मिले मांझी, साथ आने के सवाल पर कहा ये।
हम पार्टी के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज यानी कि गुरुवार को देश की राजधानी दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बता दें कि इन दोनों के बीच यह मुलाकात अमित शाह के आवास पर की गई है। वहीं मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी के द्वारा एनडीए में वापसी करने को लेकर उठ रहे सवालों पर जवाब को स्पष्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसका सवाल ही नहीं उठता है, मैंने कसम खा ली है कि जहां नीतीश होंगे वहां मैं रहूंगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार में वे सारे गुण हैं जो किसी के अंदर प्रधानमंत्री बनने के लिए होने चाहिए। वह बहुत ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। हम भले ही वह प्रधानमंत्री बने या न बने, लेकिन विपक्षी एकता एकजुट होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार जीतन राम मांझी ने अमित शाह से इसलिए मुलाकात की है ताकि वे माउंटेन मैन दशरथ मांझी, कर्पूरी ठाकुर और कृष्ण सिंह को भारत रत्न देने की मांग कर सके। मांझी शाह की मुलाकात पर राजनीतिक गलियारों में शुरू हुई हलचल। आज यानी कि गुरुवार को हम पार्टी के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने देश की राजधानी दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। वहीं उनकी मुलाकात से अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बता दें कि उनके इस मुलाकात को बीजेपी के नेता के द्वारा नई दोस्ती बताया जा रहा है। मालूम हो कि बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह के द्वारा इस मुलाकात पर कहा गया है कि जीतन राम मांझी बिहार के सबसे बुजुर्ग नेता है और जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उन्हें बेइज्जत करके मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया था। ऐसे में आज वे गृह मंत्री से मुलाकात करने गए, जहां उन्होंने गृह मंत्री से बिहार की समस्याओं के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि बिहार में राष्ट्रवादियों का सम्मान होना चाहिए, उन्हें बिहार की चिंता है, इसलिए वे सभी मुद्दों पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार को बचाने वाले राष्ट्रवादियों और बीजेपी की नीतियों में विश्वास करने वालों के साथ है। सबसे अमीर मुख्यमंत्री की सूची में शामिल हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, जाने किस मुख्यमंत्री के पास है सबसे कम संपत्ति। एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स, जो नेताओं के आपराधिक इतिहास और संपत्ति पर नजर रखता है, उसके द्वारा मुख्यमंत्रियों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। बता दें कि देश के मौजूदा 30 मुख्यमंत्रियों के संपत्ति की जानकारी इस रिपोर्ट में सामने आई है। बता दें कि इस रिपोर्ट के अनुसार 30 में से 29 देश में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो करोड़पति हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे मुख्यमंत्री के संपत्ति वाले इस सूची में सबसे पहला नाम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम जगन मोहन रेड्डी का है। यानी जगन मोहन रेड्डी सबसे अमीर मुख्यमंत्री की सूची में शुमार हो चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार उनके पास कुल 510 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री की सूची में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल है। इस रिपोर्ट के अनुसार ममता बनर्जी की कुल संपत्ति मात्र 15 लाख रुपए है। विपक्षी एकजुटता को लेकर आज येचुरी और राजा से मिले सीएम नीतीश। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश में लगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज यानी कि गुरुवार को सीपीएम नेता सीताराम येचुरी और सीपीआई नेता डी राजा से मुलाकात की। बता दें कि इनके बीच यह मुलाकात इन नेताओं के आवास पर हुई है। इस दौरान सीएम नीतीश और दोनों नेताओं के बीच विपक्षी एकजुटता पर चर्चा की गई। मालूम हो कि इससे पहले बीते दिन सीएम नीतीश ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से समेत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कई विपक्षी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की थी। सिंधे को लेकर आदित्य ठाकरे ने किया खुलासा। आदित्य ठाकरे द्वारा शिवसेना में फूट और एकनाथ शिंदे की बगावत को लेकर बड़ा दावा दिया गया है। दरअसल आदित्य ठाकरे ने दावा करते हुए कहा है कि एकनाथ शिंदे मोदी श्री पर आकर रोए थे। साथ ही साथ शिंदे द्वारा कहा गया था कि बीजेपी के साथ नहीं जाते तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि आदित्य द्वारा यह बात हैदराबाद के अपने एक दिवसीय दौरे में गीतम विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि शिंदे मोदी श्री आकर खूब रोए, उनके चेहरे पर बीजेपी को लेकर दहशत दिख रही थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 40 लोग अपनी सीट के लिए पैसों के लिए गए। विपक्षी एकजुटता पर सम्राट चौधरी ने कसा तंज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विपक्षी एकजुटता को लेकर किए जा रहे दिल्ली दौरे पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा तंज कसते हुए कहा गया है कि ये लोग महागठबंधन का विचार माथे पर रखते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इस हैसियत से उन्हें बिहार के लोगों की चिंता करनी चाहिए, लेकिन अगर नीतीश कुमार को दिल्ली जाना है तो जाएं, अभियान चलाना है तो चलाएं, लेकिन इन सब के साथ ही उन्हें बिहार के कल्याण के लिए भी काम करना होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में दंगा हो रहा है, बेरोजगारों पर लाठियां चल रही है, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री होने के नाते चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि वे भ्रष्टाचार से समझौता कर रहे हैं या राजनीतिक समझौता कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी नेताओं के एकजुट हो जाने के बाद ऐसे होगा सीटों का बंटवारा। कई दिनों से लोगों के बीच यह चर्चा बनी हुई थी कि यदि विपक्षी एकता के बाद भाजपा के खिलाफ साकार हो भी जाती है तो विपक्षी दल अलग अलग राज्यों में सीटों का बंटवारा कैसे करेंगे। गुरुवार के दिन वामपंथी नेता सीताराम येचुरी द्वारा इस सवाल पर अब बड़ा खुलासा किया गया है। इन दिनों विपक्षी एकजुटता को लेकर नीतीश कुमार भाजपा विरोधी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में नीतीश कुमार ने वामपंथी दलों के नेताओं से भी मुलाकात की। इसे लेकर अब सीताराम येचुरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी पार्टी और वामपंथियों को हमेशा से यह मानना रहा है कि धर्म
धर्म निरपेक्ष सोच जनवादी पार्टियां सबको एकजुट होने की जरूरत है। आज अपने देश में संविधान और जनतंत्र को बचाना है, इसके लिए भाजपा और केंद्र की मौजूदा सरकार को हराने की जरूरत है। वर्ष 2024 में सरकार को हराने के लिए विपक्षी दलों का एक साथ आना चाहिए। नीतीश कुमार से की गई पहल का वामपंथी स्वागत करते हैं। वहीं सीटों के बंटवारे पर उनके द्वारा कहा गया कि राज्यों की परिस्थितियों के अनुसार सीपीएम द्वारा राजनीतिक गठबंधन तय किया जाएगा। अलग अलग राज्यों में वहां की राजनीतिक स्थिति के अनुसार सीटों का बंटवारा होगा। अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर पर सपा की प्रतिक्रिया। अतीक अहमद के बेटे और उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे असद अहमद को उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा आज झांसी में मार दिया गया। बता दें कि इस दौरान असद अहमद के पास से विदेशी हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं अब असद अहमद के एनकाउंटर पर सपा की प्रतिक्रिया सामने आई है। मालूम हो कि समाजवादी के प्रवक्ता का कहना है कि एनकाउंटर न्याय नहीं होता है। बता दें कि असद अहमद के एनकाउंटर पर यूपी पुलिस के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि अतीक अहमद के पुत्र असक अहमद और गुलाम पुत्र मकसूदन दोनों प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड थे। इन दोनों ने आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। झांसी में डीएसपी नवेंदु और डीएसपी विमल के नेतृत्व में यूपीएसटीएफ टीम के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं। सीएम नीतीश को लेकर गिरिराज सिंह ने दिया ये बड़ा बयान। देश के सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश में लगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार बिहार में विपक्ष के लोग हमलावर हैं। बता दें कि अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा भी सीएम नीतीश को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि व्याकुल भारत के लोग हैं, सबके मन में प्रधानमंत्री बनने की लालसा है, लेकिन 2024 में प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है, यह जान लीजिए, और इनकी राजनीतिक दुर्गति होनी बाकी है। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने एक गाने की लाइन से नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश जी वो गाना है ना, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले लोजपा रामविलास के सांसद चिराग पासवान के द्वारा भी नीतीश कुमार पर कहा गया था कि क्या मुंह लेकर वह मिलने गए हैं, इनसे बिहार तो संभल नहीं रहा, देश क्या संभालेंगे। फिलहाल आज की राजनीति से जुड़ी खबरों में इतना ही, तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या नीतीश कुमार सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में सफल हो पाएंगे या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।